हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा नीटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं ये मल्टी कलर वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने बेस कलर में ब्लैक कलर यूज किया है, आप कोई भी कलर यूज कीजिएगा। और उसके बाद मैंने तीन कलर और इस्तेमाल किए हैं, पिंक, येलो और ये स्काई ब्लू। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला पैटर्न। बेबी स्वेटर में या लेडीज कार्डिगन में बहुत अच्छा लगेगा। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये पैटर्न हमारा 8 सिलाई पर कंप्लीट हो जाता है। और 7 फंदे ये हैं, 3 फंदे ये हैं, तो 10 फंदे हुए। तो इसमें 10 का मल्टीपल चलेगा और लास्ट में हमें 7 फंदे रखने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 10+7, इस हिसाब से आप फंदे इसमें कास्ट ऑन कीजिएगा। और ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाया है, आप अपनी पसंद का बॉर्डर इसमें बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाया है। और ये जो हमारा पैटर्न है, ये राइट साइड से शुरू होता है। तो मैं जैसे ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है। इसमें राइट साइड से पहली सिलाई सीधी सीधी बनती है और दूसरी सिलाई भी रॉन्ग साइड से सीधी सीधी बनती है। गटर स्टिच पैटर्न बनता है, तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी बनेगी, सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने राइट साइड से एक सिलाई बना ली है सीधी सीधी। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं, तो यहां से भी हमें ये सिलाई सीधी बनानी है। तो ये दो सिलाई हमारी सीधी सीधी बनती हैं, इधर से भी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दो सिलाई बना ली है, राइट साइड से सीधी, फिर रॉन्ग साइड से भी सीधी। अब यहां पर मैं सेकंड कलर ऐड करूंगी। ये मैं ग्रीन कलर लगा रही हूं। कोई भी आप अपनी चॉइस का कलर लीजिएगा। यहां पर मैं 7 फंदे सीधे बुनूंगी इस वाले कलर से, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदे बुनने के बाद 3 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, ऐसे पर्वाइज ऐसे स्लिप कर लेंगे। उसके बाद फिर 7 फंदे बुनेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ये 27 स्टिचेज लिए हैं, 10 के मल्टीपल में 20+7, तो ये 27 है। 5, 6, 7, ये देखिए 7 फंदे हमने बुन लिए हैं। उसके बाद फिर 3 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और लास्ट में फिर हम 7 फंदे ग्रीन बुनेंगे। 4, 5, 6 और ये 7, ये थी हमारी तीसरी सिलाई। अब ये चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड पर, ये ग्रीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे इधर से, और जो हमने फंदे स्लिप किए हैं वो स्लिप करेंगे। ये हमने 7 फंदे बुन लिए और ये वाले फंदे स्लिप करेंगे और ये ग्रीन वाले फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, बहुत सिंपल है। ये देखिए हमारी ये 4 सिलाई कंप्लीट हुई। अब ये 5वीं सिलाई है, फिर से हमें वही 2 सिलाई रिपीट करनी है जो हमने फर्स्ट शुरुआत में की थी। ये बेस कलर से पूरी सिलाई हमारी सीधी आएगी और रॉन्ग साइड से भी सीधी आएगी। तो ये 7ों फंदे सीधे बुनेंगे हम, और जो फंदे हमने स्लिप किए थे वो भी सीधे बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी बुनी जाएगी। ये हमने 5 सिलाई बना ली है, रो नंबर 6, ये भी इधर से सीधी सीधी बुनी जाएगी। ये बेस कलर से हर बार दोनों सिलाई सीधी आएंगी। 2 सिलाई एक कलर से बुनी जाएगी, फिर 2 सिलाई बेस कलर से बुनी जाएगी सीधी सीधी, फिर 2 सिलाई अगले कलर से बुनी जाएगी जो भी कलर आप लगाना चाहें, फिर 2 सिलाई बेस कलर से।
तो इस तरह दो दो सिलाई बुनी जाती है हर कलर से, लेकिन हर बार हर कलर के बाद बेस कलर की दो सिलाई आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, दो सिलाई ये, दो सिलाई ये, फिर दो सिलाई ये, और अब मुझे इसमें तीसरा कलर ऐड करना है। ये मैं रेड कलर इसमें ऐड कर रही हूं। पहला फंदा हमने सीधा बुना, अगला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। पहले हमने सात फंदे बुने थे इस कलर से, ग्रीन से, अब हम दो फंदे बुनेंगे ग्रीन से सात फंदे में से, तो और बीच के सात फंदों में से बीच के तीन फंदे हम स्लिप कर लेंगे। देखिए दो फंदे हमने यहां बुन लिए, तीन फंदे हमने स्लिप कर लिए, फिर दो फंदे हम इधर सीधे बुन लेंगे, एक और ये दो। अब तीन फंदे ये, दो फंदे ये, और दो फंदे इधर से लेंगे, तो दो और तीन पांच और दो सात, तो ये सात फंदे अब हम सीधे बुनेंगे इस कलर से। तीन, चार, पांच, छः और ये सात। तो ये जो सात फंदे हैं, इनमें से बीच के तीन फंदे अब स्लिप करते हैं हम, और दो फंदे इधर बुन लेते हैं, दो फंदे उधर बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता वैसे ही है, बस जगह चेंज हो जाती है। फिर सात फंदे बुनेंगे, चार, पांच, छः, सात, फिर तीन फंदे हम बीच में ये स्लिप कर लेंगे, और लास्ट के दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी सातवीं सिलाई थी, और ये है आठवीं सिलाई। ये जो हमने दूसरे कलर से फंदे बुने हैं ये उल्टे बुनेंगे, और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप करेंगे। तो ये सिलाई हमारी बहुत सिंपल है, सारी ही सिंपल है। फिर बेस कलर से आती है दो सिलाई, दोनों साइड से सीधी सीधी बुनी जाती है। तो ये तीनों स्लिप करेंगे, रेड फंदे बुनेंगे उल्टे, ये तीनों स्लिप करेंगे, और लास्ट में फिर दो फंदे रेड हैं, ये भी हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमारी आठ सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर हमें वहीं से शुरू करना है जहां से हमने ये शुरू किया था। देखिए ये दो पैटर्न हमारे बन चुके हैं। फिर हम इस कलर की बेस कलर की दो सिलाई बनाएंगे, इधर से भी सीधी उधर से भी सीधी। मैं ये दोनों बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगले पैटर्न की भी दो सिलाई बना ली है। फिर से हमें यहीं से शुरू करना है। आप इससे भी आगे दूसरा कोई कलर लगाना चाहें तो उससे शुरुआत कर सकते हैं, और इसी कलर से बुनना चाहें तो इससे बुन सकते हैं। मैंने इसमें चार कलर लगाए हैं और ये तीन हैं, तो मैं एक बार फिर आपको शुरुआत करके बताती हूँ। एक बार हम सात फंदे शुरू में बुनते हैं, अगली बार में हम दो फंदे बुनते हैं सीधे। तो फिर यहाँ पे हम ग्रीन कलर के सात फंदे बुनेंगे, और यदि आप कोई चौथा कलर लगाना चाहें तो वो कलर लगाएं, लेकिन बिल्कुल बनेगा वैसे ही जैसा हमने अब तक बनाया है। तो ये सात फंदे बुनेंगे हम ग्रीन कलर से, चार हो गए, पांच, छः और ये सात। देखिए ये सात फंदे थे, इनमें से दो फंदे हमने इधर बुन लिए, और अब सात फंदे के ये तीन बीच वाले फंदे जो हैं ये हमने स्लिप कर लिए, और फिर दो फंदे ये सीधे बुन लेंगे, और ये तीन फंदे भी सीधे बुन लेंगे, पांच हो गए, और ये इनमें से दो फंदे ले लेंगे, तो ये सात फंदे हो गए, और ये बीच वाले तीन फंदे स्लिप कर लेंगे, और लास्ट में फिर सात फंदे हैं ये हम सीधे बुन लेंगे। तो देखिए मैंने आपको अगले पैटर्न की भी पहली सिलाई बनाकर दिखा दी है, जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की थी बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हैं, लेकिन यही आठ सिलाई बार बार रिपीट होगी। एक बार सात फंदे हम बुनेंगे दूसरे कलर से, और अगली बार जिस कलर से बुनेंगे तो दो फंदे बुनेंगे ये सीधे। तो बस इस तरह से पैटर्न हमारा फिर सेट हो जाएगा, अपने आप ही ये बनता चला जाएगा।
और देखिए कैसा लगेगा ये इतना बड़ा हो के, जब हम आगे बढ़ा लेंगे तो कितना प्यारा लगेगा। इसमें आप जितने भी कलर लगाएंगे ये इतना ही प्यारा लगेगा और दो कलर में भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल को विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।